सो है येलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और गाइज, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि हम इस दिल्ली की 50 डिग्री टेम्परेचर की तपतपाती गर्मी से निकलकर हम जाने वाले हैं कहाँ? मनाली। मनाली जाने वाले हैं, ठीक है। और बाय रोड जाने वाले हैं अपनी खुद की कार से, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। और देखते हैं क्या क्या कॉस्ट लगता है, कितने रुपए लगते हैं जाने में आने में, सारी चीज़ें होटल वगैरह का, ठीक है। तो पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमसे, ठीक है। और अभी तो खैर सब लोग रेडी हो गए, सामान भी मैं कार में पैक करके आ चुका हूँ, तो जल्दी चलते हैं नीचे एंड फिर निकलते हैं मनाली के लिए। और गाइस, जाने से पहले मैं बता दूँ कि ये ट्रिप होने वाली है पूरे 5 से 6 दिन तक, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और पूरे 5, 6, 7 व्लॉग्स आएंगे और सारे सुपर एक्साइटेड वाले व्लॉग्स रहेंगे। तो अभी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप भी हमारे साथ एंटरटेन हो सके, ठीक है। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, लेट्स गो। गाइज, अपनी कार भी मस्त रेडी हो चुकी है और क्या चमक रही है यार। कल रात को ही मैंने साफ़ कर दी थी और पॉलिश वगैरह अंदर बाहर सब लगा दिया था जब कार। अब देखते हैं भाई मनाली में जाके कैसा हाल होता है इसका। पेट्रोल और सीएनजी फुल करवा रहे हैं, फिर हम निकलेंगे मनाली के लिए, देखते हैं कितने घंटे लगता है। गाइज, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 एंड देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। खैर, और लोग तो कह रहे हैं 11 से 12 घंटे का रास्ता है, लेकिन देखते हैं। अरे जी सानम, मराली मनाली क्या कर रहे हैं? बर्फ से खेल रहे हैं। वो तो फ्रिज में पैक कर हो जाएगा, बर्फ में खेलने ना। कर चुके हैं एंड अभी जा रहे हैं करनाल, और करनाल से आगे एक टोल पड़ता है, उससे पहले जस्ट सुखदेव का ढाबा है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है पराठे वगैरह के लिए, तो वहाँ पे पराठे खाएंगे, देन उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी टू मनाली एंड मुझे लगता है शाम तक पहुँचेंगे। गाइस, पहुँच चुके हैं अमरीक सुखदेव ढाबा, यहाँ के फेमस पराठे टेस्ट करने, पहली बार आया जब। और भाई साहब, एरिया तो बहुत VIP है। गाइस, अभी अपना ऑर्डर आ चुका है यहाँ पर, सारे पराठे, मक्खन बहुत ज़्यादा ला रहा है इसमें, और लस्सी भी मंगाया, तो अभी थोड़ी देर में लस्सी भी आ जाएगा एंड पब्लिक चेक करो, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। जीहान जीहान, कैसा लगा? मस्त पराठे और लस्सी वगैरह खा पी लिए और मज़ा आ गया भाई। एक एक पराठे में पेट भर गया था, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ा हमें, 1500 का बिल बना था एंड यहाँ से एंट्री होती है। गाइस, निकलते हैं अपने रूट पे दोबारा, लेट्स गो। और भाई साहब, यहाँ का व्यू देखो कितना मस्त है, मज़ा आ गया, लेट्स गो। चलते हैं भाई अपने रूट को कंटिन्यू करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस, फाइनली हम चंडीगढ़ में एंटर कर चुके हैं एंड यहाँ से मनाली करेक्ट 280 किलोमीटर दूर है, और थोड़ा बहुत रास्ते में ट्रैफिक भी मिला था, तो इसलिए वजह से थोड़ा लेट हो गए एंड देन देखते हैं। मेरे को मुझे लगता है शाम तक पहुँचेंगे हम मनाली, साथ हो रात भी हो सकती है अगर हमें ट्रैफिक मिला आगे तो। खैर, चलते ही आ रहे हैं, अभी अच्छा खासा रास्ता है। और इन लोगों ने एक एक नींद भी पूरी कर ली है, ये दोनों जिसान भी सो रहे थे, सिर्फ मैं पापा बजे गए थे। और चंडीगढ़ का व्यू देखो गाइस कितना अच्छा है, पेट्रोल बच गया हमारा, CNG लगा रखा है ना। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, चंडीगढ़ भी कम नहीं है किसी से। शांत, वैसे तो जा कहाँ रहा है? बर्फ के साथ खेलने। सो गाइस, अभी हम रुके हुए हैं CNG पंप में, और यहाँ से मनाली सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है लगभग एंड ये लास्ट टर्न है हमारा, बस अभी CNG फुल हो जाए उसके बाद सीधा हम मिलेंगे मनाली में। और यार धीरे धीरे शाम भी हो रही है, तो जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे एंड वहां जाते ही लेना है हमें होटल, और उसके बाद तो घूमेंगे, आपको तो पता ही है। तो अभी तक अगर व्लॉग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो हम 5-6 दिन की ट्रिप कर रहे हैं ना, उसमें सारे मनाली के व्लॉग्स आएंगे, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस, फाइनली पहाड़ दिखना शुरू हो चुका है एंड ये देखो सामने, देखो ज़्यादा तो नहीं दिख रहा होगा, हल्का फुल्का दिख रहा होगा, ये देखो सामने पहाड़ देखो ऐसे लग रहा है जैसे कोहरे गिर रहे हैं, फोम है ना बाबा, ठंडी का मौसम हो रहा है ऐसे लग रहा है। ये देखो पूरा पहाड़ दिख रहा है, देखो गाइस, देखो अभी तो खैर 150 किलोमीटर दूर है इसलिए ऐसा दिख रहा है, अभी जैसे धीरे धीरे पहुंचेंगे एकदम साफ पहाड़ दिखने लग जाएगा भाई।
तो गाइस ये देखो पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं एकदम साफ साफ, एंड पहाड़ों में बहुत सारा घर बने हुए हैं। देखो इधर पहाड़ों में बहुत सारे घर बने हुए हैं, ऐसे ही पूरा इलाका दिखेगा। अभी तो हमने मेनली एंट्री करा ही नहीं है यार, ये तो दूर से दिख रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम हिमाचल में एंटर कर चुके हैं, और भाई साहब अब देखो सारे खतरनाक खतरनाक पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं एकदम, खाई वगैरह सब। ये देखो ये गेट है, यहाँ से शुरू कर दिया हमने, एंटर कर दिया, पहुँच गए हैं टनल नंबर वन पे भाई, हिमाचल का टनल नंबर वन। या ऐसी बहुत सारी टनल्स आएंगी भाई, और ये टनल नंबर वन है। अंडरग्राउंड देख लो पूरा, अंडरग्राउंड बहुत सारी मिलेंगी। हाँ पहाड़ के अंदर पूरा काट के बना रखा भाई। चलते हैं एंटर करते हैं फर्स्ट टाइम अपना। ये देखो पहाड़ का व्यू कितना सही लग रहा है भाई साहब, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ और भाई पहली बार काफ़ी मज़ा आया है। काफ़ी ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, एंड ये तो खैर नॉर्मल से पहाड़ लग रहे हैं आपको। अभी मनाली की साइड देखना है, इसके ऊपर बर्फ़ भी मिलेगी आपको भाई साहब। अभी से इतना मज़ा आने लग गया है क्या बताऊँ, और हर जगह झील, पहाड़ लंबे लंबे बड़े बड़े, और पहाड़ों पे घर कैसे बने हुए हैं भाई। वैसे तो मैंने देखा था वीडियोस वगैरह में तो ज़्यादा वैसे लगते नहीं थे, लेकिन रियल लाइफ में वही सब बहुत रिस्की लग रहा है मेरे को। और मेरे दो तीन दोस्त भी है जो पहाड़ से है भाई, उत्तराखंड वगैरह से, हिमाचल से भी हैं, तो भाई अब मुझे लग रहा है कि कैसे रहते हो यहाँ पे मतलब। सो गाइस आ चुका है टनल नंबर फोर, एंड सबसे ज़्यादा लंबी टनल नंबर वन थी, और उसके बाद तो ज़्यादा छोटी छोटी थी ना बाबा। और इस टनल में थोड़ी रोशनी दिख रही है, ये तो बाकी में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इस देखो टोल प्लाजा इधर क्रॉस कर दिया है, और भाई साहब बहुत तगड़ा मौसम बन रहा है इधर, देखो कितना काला काला सा लग रहा है भाई साहब, और बहुत सी हवा चल रही है। सो गाइस बहुत तगड़ी हवा चल रही है, और मुझे लग रहा है बहुत तगड़ी वाली बारिश आने वाली है यहाँ पे, एक नंबर मज़ा आने लग गया भाई अभी से ही। ये देखो कितना काला मौसम आ रखा है, देखो काले काले बादल, एंड धीरे धीरे ऊपर जा ही रहे हम, और मनाली पे तो बहुत खतरनाक मौसम होगा मुझे लगता है। तो गाइस यहाँ पे अपनी कार रोकी थी हमने थोड़ा लाइट वगैरह पॉलिश करने के लिए, और हवा देखो कितनी मस्त चल रही है। हम तो बैट बॉल भी लेके आ रहे थे, भूल गए गलती से। हाँ यार मजा आता है, अब पहली बार कुछ फ्लैट जगह मिली है ना जी। हाँ इधर देखो, नहीं तो भाई साहब सिर्फ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। और अच्छा, और अभी थोड़ी देर बाद मैगी पॉइंट पे भी रुकेंगे ना, मैगी पॉइंट पे। बहुत खतरनाक वाली हवा चल रही है अभी, मौसम एक नंबर हो रहा है ना। तो गाइस इस मस्त से मौसम में आ चुकी है टनल नंबर फाइव, अरे यार कितने टनल रहेंगे इतने। गाइस देखो हम चले ना नीचे ऊपर, पहाड़ देखो कितना ऊपर लग रहा है भाई, ऊपर लग नहीं रहा ऊपर है ही, और घर देखो कितने ऊपर ऊपर बने हुए हैं, और कितना सही डिजाइन बना हुआ है। सो गाइस बारिश शुरू हो चुकी है, एंड बहुत ठंडा मौसम हो रहा है भाई बाहर। बारिश शुरू हो गई है, और अभी भी करीब 70 किलोमीटर बचा हुआ है मनाली। गाइस इधर आते ही ऐसे लग रहा है ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है, एक नंबर ठंडी है भाई, और बारिश भी शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। चाहे तगड़ी वाली बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। बारिश तो अच्छी लगती है भाई, तो हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी वाली बारिश होती है वो एक नंबर लगती है, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। अब जल्दी से पहुँचते हैं फिर होटल लेते हैं। गाइस बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है, और हम भाई साहब क्या नाम है बर्फ वाले पहाड़ों में पहुँच चुके हैं, यहाँ से पूरा साफ साफ बर्फ दिख रहा है। ये देखो बर्फ देखो कैसे दिख रहा है भाई साहब, माय गॉड। तो पहाड़ों पे देखो कैसे बर्फ दिख रहा है एकदम साफ साफ। गाइस देखो पहाड़ों का असली चैलेंज आ गया इधर, देखो इधर पूरी उस साइड खाई है, देखो कितनी खतरनाक वाली खाई है, और इधर ऊपर पहाड़ है, और ज़्यादातर इधर ही लैंडस्लाइड होते हैं, और बारिश भी हो रही है, कीचड़ भी हो रखा है बहुत, और वन वे रोड है बल्कि, इसलिए बड़े आराम से चलाना होता है। इधर देखो पूरी खाई है, और सामने बस आ रही है, ये पूरे लैंडस्लाइड के पत्थर हैं देखो गिरे हुए हैं ऊपर से, इसलिए यहाँ पे भाई ऐसे वैसे ड्राइवर को नहीं आना चाहिए ना पापा, जो ट्रेंड हो, पापा तो ट्रेंड है ही। गाइस चेक करो कितना खतरनाक लग रहा है भाई, गाइस देख रहे हो अब खतरनाक वाले रोड्स आ रहे हैं, सारे वन वे रोड हैं, और पूरे लैंडस्लाइड वाले रोड हैं ऑलरेडी, यहाँ लैंडस्लाइड हो रखी है, और बारिश भी इतनी खतरनाक हो रही है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। बाकी अब हम सीधा जा रहे हैं होटल, मनाली के मतलब मनाली जा रहे हैं, और वहाँ होटल लेंगे ना, पहले होटल लेंगे थोड़ा आराम वगैरह करेंगे, और फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या क्या होगा। गाइस इधर घर चेक करो भाई साहब कैसे घर दिख रहे हैं, लाइन से पूरे लाइन वाइज नीचे बीच में ऊपर हर जगह घर ही घर दिख रहे हैं, देखो ये लग रहा है ना एक नंबर भाई कलाकृति, कैसे घर बने होंगे। क्या पूरी बस्ती है देख लो, हाँ पूरी बस्ती है, पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उधर घर ही घर, घर ही घर, एक से एक डिज़ाइन के मस्त बने हुए हैं। इधर है गाइस एक गुरुद्वारा, और इधर की खाई चेक करो इतनी खतरनाक लग रही है ना,
और इधर भी बस्ती पूरी बनी हुई है, हर तरफ बस्ती बस्ती भाई, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। और अब तो बारिश भी रुक गई है, पहाड़ देखो एकदम साफ लग रहा है मौसम, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही अब तो। भाई ये चक्कर चेक करो कितना वाइड एरिया भाई साहब, इधर पूरा पहाड़ का व्यू, घर वगैरह और झील खाई सब है, सारी चीज़ें। और अभी हम रास्ते भर में मैगी पॉइंट ढूंढ रहे हैं भाई, मैगी पॉइंट मिल ही नहीं रही, और धीरे धीरे चल रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है। फाइनली पहुँच चुके हैं मैगी पॉइंट पे, इस साइड मैगी पॉइंट है, यहाँ पे मस्त मैगी खाएंगे। बाकी इधर से पहाड़ चेक करो भाई साहब, कितना सही व्यू आ रहा है, ये देखो बादल देखो, हो भाई हेलो गुजेगी भाई, ईगो कर रही है आवाज़। चलो भाई जल्दी चलते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं। गाइस मस्त मैगी वगैरह खा लिया और चाय भी पी लिया है, एंड धीरे धीरे भाई शाम हो रही है, और मुझे लगता है भाई हम जितने की स्पीड में चल रहे हैं उसके हिसाब से मनाली पहुंच ही नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि रात हो जाएगी और रात में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वन वे रास्ता है और काफ़ी पतले पतले रोड होते हैं। इसलिए अगर हम टाइम पर पहुँच गए मनाली तो ठीक है, फिर वहाँ पर होटल ले लेंगे, नहीं तो कुल्लू में ही ले लेंगे, ठीक है। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8 एंड बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया इधर तो, भाई चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में हम पहाड़ों के बीच में घिरे हुए हैं, देखो इधर भी पहाड़ चल रहा है, और अगर हम लाइट नहीं चलाते तो एकदम अंधेरा अंधेरा सा दिखेगा भाई रास्ता तो, और रास्ता बहुत ख़तरनाक है, वन वे रास्ता है, मुश्किल से दो गाड़ियाँ निकलेंगी, इसीलिए पहले एक साइड की लाइन को जाने दे रहे हैं पुलिस वाले, उसके बाद फिर दूसरी वाली लाइन को आने दे रहे हैं। और अभी भी खैर बहुत ज़्यादा दूर हैं हम, तो जल्दी से पहुँचते हैं यार होटल पर। गाइस 11th टनल आ चुकी है अपनी, एंड ये वाली टनल तो बहुत ज़्यादा बड़ी और लाइट है इसमें बहुत ज़्यादा। देखो रात का व्यू देखो भाई साहब, मनाली का व्यू देखो रात का, ऐसे जुगनू चमक रहे हैं भाई साहब, ये सारे घर हैं, बिजली लाइट वाइट जल रखी है, तो ऐसा लग रहा है पहाड़ से पूरा जैसे जुगनू चमक रहे हैं। A few moments later. Guys, finally, रात के 12 बज रहे हैं और घूमते घूमते हम आ चुके हैं अपने होटल में, और ये होटल पूरा दिखाएंगे हम सीधा आपको कल, ये पूरा बालकनी साइड व्यू है एकदम, पूरा पहाड़ का व्यू दिखेगा इधर, तो कल वाले ब्लॉग में मैं पूरा दिखाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एकदम मस्त वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।